हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम बेर कलम की कड़ी में अभी तक हमने बहुत सारे टाइप की कलमें बताई हैं आप लोगों को। तो भाई, बेर की कलमें क्यों और किस क्वालिटी की फिट करनी चाहिए, किस प्रजाति की फिट करना चाहिए, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जो आपके परिसर की जो भी बेर की क्वालिटी अच्छी है, पसंद है, तो सीड से ना उगाते हुए इस प्रकार आपके पास में अगर बड़े पौधे हैं तो उन पौधों पर आप फरवरी मार्च अप्रैल माह में छाट दीजिए। जिस हाइट से आपको कलमे करने की, लगभग 2 से 3 सेंटी, 3 फीट के ऊपर से या 4 फीट के ऊपर से छाट दीजिए। और जब ब्रांच होती है तो उससे 2 या 3 ब्रांचेस रखिए, बाकी तोड़ डालिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ बेरी का पेड़ है मेरे पास में ऑलरेडी, नागपुरी कड़ा का ऑलरेडी लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। तो इसी के एक ब्रांच पे मैंने छाटने के बाद में, ब्रांच निकली थी मार्च में, छाटी थी मैंने इसे, इस पर मैंने अभी ये लाल गाभे की और गुजरात 70 की कलमें बांधी थी। अब ये किसकी, कौन सी प्रजाति की, ये मुझे अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने लिख के नहीं, टैगिंग करके नहीं रखी थी। वास्तव में हमने टैगिंग करके रखना चाहिए। तो इसका अंकुर अभी 30-40 दिन बाद में बढ़ने जा रहा है यहाँ, तो अब वहाँ जुड़ गया, इसलिए मैंने उसकी पॉलीथीन कट कर दी ताकि वहाँ अंकुर आसानी से मोटा हो सके। तो दोस्तों, और इसी पेड़ पे मैंने फरवरी माह में लास्ट ईयर यहाँ जो एप्पल बेरी की बांधी थी, तो देखिएगा यहाँ इतनी बड़ी ब्रांच हो गई और एप्पल बेरी का फ्रूटिंग भी लग चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा पेड़ था तो इस पे इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। देखिएगा, ये यहाँ से है, ये जो सिंबल दिख रहा और सूखा वाला जो लकड़ी दिख रहा है वो ओरिजिनल पेड़ का है। तो यहाँ से अभी जॉइंट इतना हो गया कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कुछ दिन के बाद में। अभी इम्प्रेशन यहाँ देखिएगा, एप्पल बेर है यहाँ, साइज आपको समझ आ गया होगा। अभी जस्ट यानी जो हम मार्बल खेलते हैं बच्चे, उस मापिक यहाँ देखिएगा एप्पल बेरी फ्रूटिंग चालू हो गया है। तो इसका एक ब्रांच अभी हाथ जैसी मोटा हो गया है। तो दोस्तों, आप जैसे ब्रांच को, पेड़ को काट के रखते हैं सिंपल बेरी के, तो उसके ऊपर जब ब्रांचेस आती है, तो मैंने आपको कहा कि 2 से 3 ब्रांचेस रखिए, बाकी तोड़े, और 3 डायरेक्शन में, 3, एक ही साइड में नहीं। और फिर जब सितंबर माह आता है, वैसे देखा जाए तो रेनी सीजन में भी सक्सेस होती है, लेकिन उसका सक्सेस रेट कम है, क्योंकि पानी ज़्यादा, रेनी सीजन रहा समझो, वर्षा ज़्यादा होते रही, तो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में जनरली रेनी सी वर्षा ऋतु में नहीं की जाए, हार्ड वर्षा ऋतु में। लेकिन जैसे राजस्थान जैसा इलाका है, कि जहाँ पर राजस्थान में बहुत सारा एरियाज है, कि भाई वहाँ पर पानी वर्षा कम होती है, तो ऐसे इसमें आप सक्सेस रेट आप 80% 90% ले सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर राजस्थान से भी बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर, हमारे यहाँ तो रेनी सीजन में भी सक्सेस हो गया, तो उनके कारण मुझे मालूम हो गया कि भाई हर क्षेत्र में अलग अलग रेनफॉल रहता है, यानी वर्षा कम ज़्यादा रहती है इसलिए। तो दोस्तों देखिएगा, तो आपको बेर की कलमें कहाँ से लाने की है, तो आपके एरिया में अगर देसी वैरायटी की भी छोटी बेर है और टेस्टी होगी, तो उसका भी आप कंजर्वेशन कर सकते, संवर्धन कर सकते उस प्रजाति का। और कोई ज़रूरी नहीं कि हाइब्रिड की बेर सुपर होती है। तो दोस्तों, जो अपने देसी क्वालिटी में भी ऐसे बहुत सारे बेरी है कि उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, साइज भी ठीक है, लेकिन जनरली हाइब्रिड की जो बेरीज है उसकी कलमें आप कहीं से भी ला सकते हैं। तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में सिलेक्शन आप सायन है ऑलरेडी, बेरी की सिलेक्शन सायन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बेर की जो सायन है वह इस प्रकार की चाहिए कि जैसे हम यह इम्प्रेशन चाकू की नोक का
करते हैं तो इजीली वहाँ निकल जाना चाहिए बार्क यानी कैम्बियम पार्ट, इजीली ऐसा टिल्ट कर, टिल्ट जिसके ढीला तो निकल जाना चाहिए, यानी हार्ड पोर्शन उसके साथ नहीं आना चाहिए। तो समझ जाना कि भाई यहाँ जो स्टिक है यहाँ ग्राफ्टिंग के लिए सुटेबल है और मैच्योर्ड है। तो इसकी उम्र लगभग कितनी चाहिए? तो जैसे आप जो ब्रांचेस जो निकलती हैं मार्च अप्रैल की ब्रांचेस, अप्रैल माह की ब्रांचेस वहाँ सितंबर में काम में आ जाती हैं, तो लगभग 4 से 3 से 4 माह की ब्रांचेस जो है वहाँ चल जाती है ग्राफ्टिंग पर्पस के लिए। अब इसके पहले कि मेरी वीडियोस ऑलरेडी हैं उसमें आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ देखिएगा हम जो ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। यहाँ उल्टा टी वाला ग्राफ्ट है, हम टी सीधा वाला टी से भी करते थे, यहाँ उल्टा टी वाला ग्राफ्टिंग है। आप वर्टिकल लाइन गिराइए पहले इम्प्रेशन चाकू से और हॉरिजेंटल फिर बाद में कट कीजिए, यानी उल्टा टी यानी रिवर्स टी, अपसाइड डाउन टी, और उसके बाद में यहाँ छाल ढीली कर लीजिए और जिस प्रकार बड निकालते हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह उस प्रकार आप बड निकाल लीजिए। तो यहाँ रिंग जो नीचे का लाइन है हॉरिजेंटल आड़ा उसे थोड़ा सा लंबा करने का ताकि यहाँ छाल ढीली करने में तकलीफ ना हो। तो यहाँ चाकू कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ सिंपली अगर से आपके पास ग्राफ्टिंग नाइफ़ नहीं है तो आप घर में जो स्टील का नाइफ़ है वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो किचन में है। तो दोस्तों मैं इसी बीच आपसे विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा जो चैनल है अगर से आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नुमा जो आइकॉन है घंटी नुमा उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस प्राप्त हो सकें। तो यहाँ मेरा जो उल्टा टी वाला जो वीडियो है मेरा इसका उद्देश्य ये था कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था सर हमने उल्टा टी भी ग्राफ्टिंग बेर का देखा है। तो दोस्तों उल्टा टी भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ बेर पे ही नहीं तो आप संतरा जो है ऑरेंज उसकी भी कलमें बनाते वक्त ये टेक्निक एडॉप्ट कर सकते हैं। गुलाब में भी उल्टा टी वाला आप प्रोसेस एडॉप्ट कर, क्योंकि यहाँ आई बडिंग जो है तो यहाँ टी उल्टा टी बडिंग जो है यहाँ लगभग तीनों इसमें की जाती है, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा स्किलफुल वर्क है। तो बेर तो उतना हार्ड नहीं है पर गुलाब और संतरा का थोड़ा स्किलफुल है। वैसे तो उसके लिए चाकू स्मॉल और पतला वाला इस्तेमाल करने का जिसका टिप थोड़ा सा रफ हो। तो देखिएगा इसमें हमने अंकुर शिफ्ट किया और अंकुर को नीचे पुश करने का, ऊपर नहीं नीचे, पहले ऊपर ढकेल देने का फिर नीचे पुश करने का ताकि नीचे का जो कैम्बियम लेयर जो हॉरिजेंटल अपन ने आड़ा कट किया है उसे टच हो। तो उसके बाद में इसे ऊपर से बांध दिया है नीचे से बांध दिया वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये उल्टे टी में एक खासियत है कि इसका पैकिंग बहुत अच्छा आता है और जब रेन वाटर कोई पानी वानी बरसात हुई तो जब उसमें पानी घुसने के चांसेस कम रहते हैं, एक इसका बेनिफिट है उल्टे टी ग्राफ्टिंग का। देखते जाइएगा आप, सिर्फ आपको अंकुर खुला छोड़ने का है। अब कहीं कहीं अंकुर को भी पूरा लपेटा गया है, लास्ट तक लपेटा गया है ताकि पानी अंदर ना घुसे। तो जब आप अगर पूरा बड भी लपेट लेते हैं तो फिर आपको क्या करना है, आप बड भी पूरा लपेटेंगे तो भी चलेगा और बड थोड़ा खुला रख के बाकी टाइट करें टाई करेंगे बांधेंगे आप पॉलीथीन तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप पूरा अंकुर के साथ में पूरा बड बांध लेते हैं तो इसमें एक आपको चीज़ करनी होगी कि 20 दिन के बाद लगभग यहाँ जुड़ जाएगा, तब आपको अंकुर वाले पोर्शन का जो पॉलीथीन है उसे थोड़ा कट करके खोल लीजिएगा, जहाँ पर अंकुर है उतना पोर्शन खोल लीजिएगा 20 दिन के बाद, क्योंकि लगभग बेर का ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वहाँ फूड मटेरियल जुड़ जाता है, ज्वाइन हो जाता है लगभग 10 से 15 दिन में जुड़ जाता है और उसे फूड सप्लीमेंट मिलना शुरू हो जाता है बट को। तो एक बार अगर से फूड मटेरियल का लाइन अगर से बट को टच हो गया
तो बाकी जगह से नहीं भी टच हुआ फूड मटेरियल तो भी बर्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब इस पॉलीथीन को कब छोड़ने का, लगभग 2 माह बाद में जब ब्रांच निकल जाती है, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर जब बर्ड ऊपर आ जाती है 3 से 4 सेंटीमीटर, तो पॉलीथीन आपको निकाल लेने का है। और बर्ड के ऊपर का पोर्शन जो है, बर्ड के ऊपर